मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान को सफल बनाने के लिए गुरुवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सभागार में 70 वार्डों के चारों जोनों के सुपरवाइजर के साथ बैठक आयोजित किया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह द्वारा अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया, साथ ही जनता से सहयोग की अपील भी की गई। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि यह अभियान मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राप्त मेरा वार्ड कोरोना वार्ड मुक्त के तहत किया जाएगा। नगर निगम एक दिन में एक जोन में दो वार्डों का चयन करते हुए सफाई का महाअभियान चलाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग, पथ प्रकाश विभाग, जलकल विभाग, टैक्स विभाग आदि सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहेंगे तथा वार्ड में सफाई व्यवस्था के साथ साथ क्रॉस नाले, पाइपलाइन लीकेज एवं ऐसी छोटी मोटी समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराया जाएगा। साथ ही महानगर में पशु नियंत्रण विभाग की भी ड्यूटी अभियान में लगाया जाएगा, ताकि छुट्टा पशुओं को पकड़कर वार्ड को मुक्त किया जा सके, जिसमें छोटी मोटी समस्याओं का निस्तारण किया जा सके और वार्ड पूरी तरह से स्वच्छ एवं सुंदर दिखे, जिससे महानगर के सभी वार्डों के बीच एक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो और इस प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नगर निगम गोरखपुर के वार्ड सम्मिलित होने की स्थिति में आ सके। यदि महानगर के प्रत्येक वार्ड को मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड कर लिया जाए तो हम अपने अथक प्रयासों से एक दिन मेरा शहर कोरोना मुक्त की प्रतियोगिता में अव्वल प्रतिभागी हो सकते हैं। जो वार्ड इसमें चुने जाएंगे उनके सुपरवाइजर और मेट को विशेष सम्मान भी दिया जाएगा। इस बैठक में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का, सफाई का, स्वच्छता का, फॉगिंग का, नाला सफाई का एक महाअभियान छेड़ा जाए, जिसको कि आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से लगातार चल रहा है पूरे नगर निगम के 17 वार्ड में। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक महाअभियान और छेड़ा है, जिसका नाम दिया गया है मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, जो कि शासन के दिशा निर्देश के क्रम में है। और हम लोगों ने इसके लिए ये एक सभी आज बैठक बुलाई है, चारों जोन के जो हमारे सुपरवाइजर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, और उसमें हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग हर डेली किसी दो जोन के दो वार्ड लेंगे और हमारी पूरी टीम, चाहे वो लाइट से जुड़ी हो, अभियंत्रण से जुड़ी हो, फॉगिंग से जुड़ी हो, सैनिटाइजेशन से जुड़ी हो, चाहे सफाई अभियान हो, नाला सफाई हो, वो पूरी टीम उस वार्ड में जाएगी और उस वार्ड की एक एक गली, एक एक घर, एक एक मोहल्ले पर हम लोग सैनिटाइज करेंगे, फॉगिंग करेंगे और नालियों की सफाई की जाएगी और वहाँ पर जो विशेष सफाई कराई जाएगी। अगर कहीं पर ऐसा भी लगता है कोई गार्बेज इकट्ठा है, गार्बेज वाले में पॉइंट है, उसको भी हम लोग वहाँ से उठवाएंगे और
कहीं कोई नाली भी टूटी हुई है तो उस नाली को भी हम लोग तत्काल वहीं पर बनवाना शुरू करा देंगे। कहीं कोई छोटा पार्क है जिसके कि ग्रिल वगैरह ख़राब हो गई हैं, कोई डिवाइडर है वो जो बदरंग हो गया है, उनको भी वहाँ तत्काल उसी दिन पेंट करा के उसका एक सौंदर्यीकरण भी करेंगे। एक स्वच्छता की एक नई हम लोग अलग जगाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमने इसमें प्रयास किया है कि हम अपने जो इन सभी वार्ड में अगर लगभग 1 लाख तक के काम जो है तत्काल हम लोग कराएंगे। अगर कोई छोटे मोटे जो जैसे चीज़ें हैं वैसे मैंने बताया आपको, तो तुरंत जिससे कि इनको जैसे मान लीजिए किसी को झाड़ू की ज़रूरत है, किसी को जो जो हाथ ठेला गाड़ी है उसकी चद्दर फट गई है या पंचर हो गया है, उसका टायर पंचर हो गया है गाड़ी का, बैटरी ख़त्म हो गई, तो इन सब चीज़ों को मतलब जो फाइलें रन करने में बहुत समय लगता है इनको दूर करने के लिए तत्काल, और इसका नाम ही हम लोगों ने इसीलिए कहा है कि मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कोरोना के संक्रमण की चेन है उसको इस विशेष महाअभियान के माध्यम से पूरी तरह से ब्रेक कर देना। देख आपने भी देखा होगा पिछले 1.5 से 2 महीने में जो नगर निगम ने पूरा जो एक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में नेतृत्व में जो सैनिटाइजेशन फॉगिंग और विशेष सफाई का जो अभियान छेड़ा उसकी उसको भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि जो कोरोना के संक्रमण की दर हो है उसको नीचे लाने में। तो अगर हमारा ये मानना है कि अगर ये जो अभियान हमारा जो चलेगा तो उसके तहत अगर जो हमारे जिन उद्देश्यों को लेकर ये अभियान छेड़ा गया जैसे ही उसकी पूर्ति होगी तो निश्चित रूप से कोरोना जो है पूरी तरह से हमारे नगर निगम क्षेत्र से जनपद गोरखपुर से पूरी तरह से समूल उसका विनाश हो जाएगा और हम लोग कोरोना की जंग जीत कर निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे।